जा रहे हैं अपने बाड़ी में ये मुनगा का पौधा लगाने के लिए। रोना पड़ेगा फिलहाल, अभी उड़द के पौधों को उखाड़ा जा रहा है तो हम तौलिए में लपेट कर लेके जाएंगे घर। लेकिन यहाँ बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज फिर से नए जोश, नए उत्साह और नई उमंगों के साथ एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और अभी 10:30 बजे बारिश हो रही थी, तो हम घर में ही रुके हुए थे और अभी बारिश थमने की वजह से हम जा रहे हैं अपने बाड़ी में ये मुनगा का पौधा लगाने के लिए। 8-7 मुनगा के पौधे हैं और उस दिन हम 8-10 मुनगा का पौधा लगाए थे, तो टोटल 15-20 मुनगा के पौधे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, ये मुनगा का पौधा लगा के दिखाएंगे आप लोग को। और हो सके तो कल जो घास निंदाई वाला काम कर रहे थे मूँग उड़द मूँगफली के खेतों में, तो वही काम भी हम करेंगे। पहले ही से लगाते हैं, फिर हम घास निंदाई वाला काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मौसम देख सकते हैं, खूबसूरत मौसम हो चला है। इधर सफ़ेद बादल दिखाई पड़ रहे हैं, आसमान साफ़ हो रहा है, लेकिन इधर अभी भी काले काले बादल बचे हुए हैं। ठीक है, पूरब साइड काले बादल आ रहे हैं और पश्चिम साइड बादल साफ़ हो रहे हैं, यही सब सीन है। खुल्या सिम सिम। अब सबसे पहले हम फावड़ा लेंगे, यहाँ से फावड़ा यहीं पे रखा गया है, ये रहा फावड़ा, और उधर कोने में 2-3 लग जाएगा, इधर कोने में 2-3 लगा देंगे। ठीक है, चलो। ये जो मुनगा पौधा पिछले साल लगाया था, इसके इस साइड 10 पौधे लग चुके हैं, अब इसके राइट साइड हम लगाएंगे। लेफ्ट साइड लगा था पहले, अब राइट साइड लगाते हैं, 4 पौधे तो आ जाएंगे इसी लाइन में वहाँ तक। चलो, यहाँ पहले लगाते हैं। ये जगह ये दर्शकों देखिए, लग गया अपना पहला मुनगा का पौधा, है ना। चलो सही है, इधर एक, इधर दो, यहाँ पे 3, 5, 4 और यहाँ 5, टोटल 5 मुनगा का पौधा लगा दिए हैं, है ना। इस साइड एक, वहाँ लगाते हैं उधर जो लास्ट किए थे ना उस दिन, ये जो वायर है उसके बगल में नीचे ही, ये छोटा सा।
यहाँ ठीक रहेगा। और दर्शकों, यहाँ पे आखिरी मुनगा का पौधा भी लगा दिए हैं। सही है, ये अपना फावड़ा भी धुल गया। चलिए दर्शकों, दरवाज़ा बंद, यहाँ का काम हुआ ख़त्म। दर्शकों, आज इन खेतों से उड़द के पौधों को उखाड़ा जा रहा है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से उखाड़ उखाड़ के रख रहे हैं, क्योंकि उड़द भी ये देखिए अच्छे से सूख चुके हैं, तो इन्हें तोड़कर सुखाएंगे, फिर यहाँ से बीज निकालेंगे। ठीक है, यह उड़द उस दिन हम तोड़े थे मूंग, ये वाला। ठीक है, मूंग भी सूख रहे हैं, एक बार और मूंग तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल अभी उड़द के पौधों को उखाड़ा जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उड़द दाल होता है दर्शकों। इधर जितने भी उड़द के पौधे हैं, सारे के सारे पौधों को उखाड़ा जा रहा है। अभी थोड़ी देर यहाँ से हम घास उखाड़ते हैं दर्शकों, ये वाला घास थोड़ी देर ही। दर्शकों, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, और अभी हमने यहाँ पे घास निंदाई वाला काम करा है ना, आधा घंटा निंदाई करे हैं। देख सकते हैं, निंदाई कर करके यहीं पे छोड़ते गए हैं इस तरीके से। इधर और भी बचा हुआ है। दर्शकों, ये देख सकते हैं, उड़द और मूंग के पौधों को हम तौलिए में लपेट कर लेके जाएंगे घर, और इसे घर में सुखाएंगे। ठीक है, तो ये तौलिए में डाल लिए हैं, अब इसे बांध देते हैं ऐसे खींच कर, और फिर उठा के लेके जाएंगे। और दर्शकों, ये देखिए, हमने तौलिए से बांध लिया है इस मूंग उड़द को, और इसे लेके जा रहे हैं घर। चलो, दर्शकों, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, और हम वापस खाना वाना खा के काम के लिए आ रहे हैं। दर्शकों, अभी जो सिलियारी बचा हुआ है घास निंदाई वाला काम, उसे ही निंदाई करेंगे। ठीक है, तो 1-1.5 घंटा है अपने पास, तो देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं ना। फिलहाल तो अभी मौसम बारिश वाला सीन करने वाला है ना, क्योंकि इधर से काले काले बादल आ रहे हैं, और बादल भी गरजने स्टार्ट कर चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम अपने बचाव के लिए छतरी पकड़ लिए हैं, ताकि बारिश हो तो हम बच सके, ना भीगे, है ना। चलिए, अभी हम अपने खेत के पास पहुंच चुके हैं, और घास निंदाई करते हैं इधर।
दर्शकों, इधर आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट ही काम किए और मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। काले काले बादल ऊपर घेर लिए हैं हमें और बिजलियां चमकने लगी हैं। थोड़ी देर में बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरजेंगे और कभी बिजली गिर सकती है। इस पेड़ के नीचे गिरती है बिजली, एक बार गिर चुका है ना। और देखिए तेज़ हवाएं भी करना स्टार्ट कर चुकी हैं और बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुका है, बादल भी गरजने लग चुके हैं दर्शकों। तो अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा है ना, क्योंकि कहीं पर भी बिजली गिर जाती है पेड़ के नीचे खास करके। इधर दर्शकों किनारे किनारे पेड़ ही पेड़ हैं, तो अपने को जल्दी भागना पड़ेगा है ना। इधर देखिए लकड़ी ले जाया जा रहा है, अपने पड़ोसी हैं ये देखिए, सब भाग रहे हैं बारिश से डर कर और हम भी भागेंगे क्योंकि बारिश से डर नहीं लगता, बिजली से डर लगता है। देखिए बादल गरजने स्टार्ट कर चुके हैं, तो अपन निकलते हैं भाई। देखिए कैसा मौसम चेंज हो चुका है, बिजलियाँ चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं और तेज हवाएं भी कर रही हैं। इधर पहाड़ तरफ बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, इधर पता नहीं चल रहा है। इधर का देखिए पूरा सीन, दर्शकों इधर देखिए क्या सीन हो रखा है। लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तेज़ बारिश हो तो मैं आपको सीन दिखाऊं इधर का, ऐसा सोच रहा हूं, पर बारिश तेज़ हो ही नहीं रही है। अब होने वाली है तेज़ बारिश। आई रे बारिश अब तो आई रे, जान बचा के भागो रे जान बचा के भागो रे। और बिजलियाँ चमकी हैं अभी, तो बहुत ज़ोर से बादल गरजने वाले हैं। हमने सुना है गरजते हुए बादल बरसते नहीं हैं, लेकिन यहाँ बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। चलो दर्शकों भागो घर की ओर, अपने को जान पे खेल के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन जल्दी से घर भागते हैं, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और मूवी देखेंगे, ठीक है सही है। दर्शकों अभी शाम के 6 बज रहे हैं, बारिश थम चुकी है और हम गर्मा गर्म चाय वाय पी के मूवी वूवी देख के अभी थोड़ा सा बाड़ी साइड निकले हैं टहलने के लिए है ना। तो दर्शकों कुछ ऐसा रहा आज का हमारा ब्लॉग और उम्मीद है आप लोग को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए दर्शकों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कौन है ब्लॉग में, तब तक लिए आप व्यस्त रहें मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं सुख बांटे दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता घटाएं। शिव टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।